हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये इनका ये जो है ये सेकेंड डे है, ठीक है। और देख ही रहे हैं ये कितना ज़्यादा डर रही हैं। और अगर आप भी डरते हैं गाड़ी सीखने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्सीलेटर के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो आप मेरे बाकी के वीडियोस सही से देख लेते हैं अगर आप, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एक्सीलेटर को पकड़ना है और हैंडल को किस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पाँव किस तरीके से लेके जाना है ये भी मैंने बताया है, ठीक है। और उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठते हैं और एक्सीलेटर देते हैं तो फिर भी डर लग रहा है आपको, तो एक छोटा छोटा स्टेप लेके आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहले आप अपना अंदर का डर को ख़त्म कीजिए, उसके बाद जो है आप गाड़ी का एक्सीलेटर जो है कंटिन्यू दे के रख सकते हैं। और आप अगर कंटिन्यू दे के रखने लग जाएंगे गाड़ी का एक्सीलेटर, तो चुटकी में आपका पाँव जो है ऊपर हो जाएगा। फ़िलहाल पाँव नीचे करके आप चलाएँगे। बहुत सारे लोगों का जो है वो एक डर बना होता है कि पांव ऊपर करते ही वो गिर जाएंगे, क्योंकि ये टू व्हीलर है, फोर व्हीलर नहीं है। तो हम लोग आप लोगों का पांव इसलिए नीचे करवा देते हैं, बहुत कोई बोलता है ये चीज़ कि पांव नीचे कि क्यों चलवा रहे हो, पांव ऊपर करवा दो ये, है ना। तो मैं उनको बता देती हूँ ये चीज़ कि अगर कोई भी पाँव ऊपर करेगा जिसको नहीं आता है चलाना, वो अगर अचानक से उनको बोलोगे पाँव ऊपर करने के लिए, तो दो पहिया या चार पहिया तो है नहीं भाई, ठीक है। ये टू व्हीलर है, फोर व्हीलर में इंसान बैठ जाता है नहीं गिरता है गाड़ी, पर टू व्हीलर जो है वो दो चक्का पे है, आपको भी पता है। तो अगर पाँव पर करेंगे और एक्सीलेटर नहीं देते हैं पाँव पर करने के बाद, तो गिरने का जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है। तो पहले एक्सीलेटर देना समझ लें, उसके बाद पाँव ऊपर करके चलाएँगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से जो है छोटा छोटा स्टेप लेके आप गाड़ी आगे बढ़ाइए। जैसे ही आपका डर धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा कि आप तो जैसे ही डर ख़त्म होगा आपका जो ये छोटा छोटा स्टेप है ये लंबा लंबा स्टेप में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल गाड़ी पे बैठना है, बॉडी को कड़ा करना है, दोनों पाँव नीचे रहेगा और हैंडल को टाइट पकड़ेंगे ब्रेक के साथ। ब्रेक को दबाना नहीं है, बस सपोर्ट के लिए पकड़ना है। और एक्सीलेटर जो है उसमें आपको क्या करना है, एक धीरे धीरे एक्सीलेटर को लेना है, मतलब एक बार में पूरा रिस्ट को नहीं घुमाना है, रिस्ट को एकदम थोड़ा थोड़ा सा मूव करिए और छोटा छोटा स्टेप लेने का कोशिश करिए। ये अगर आप कर लेते हैं तो कंटिन्यू एक दो दिन ये जो है प्रैक्टिस कीजिए आप, और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे बदलाव आएगा आपके चलाने के लिए गाड़ी के, आप पे बदलाव आएगा। आप जो है एक्सीलेटर से डरना बंद कर देंगे, और जैसे ही डरना बंद कर देंगे फिर आप थोड़ा लंबा लंबा ट्राई कर पाएंगे। जब लंबा लंबा आप ट्राई करेंगे एक्सीलेटर देने का, तो वो लंबा लंबा जो आप ट्राई कर रही हैं वो पूरा राउंड में बदल जाएगा। जब आप एक राउंड मारने लग जाएंगी तो आपका पाँव तुरंत से ऊपर हो जाएगा। पाँव ऊपर करने के लिए भी मैंने एक्सरसाइज बताया हुआ है, अचानक से अगर आप पाँव ऊपर करने जाओगे तो आपको डर लगता है। अगर एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करके पाँव ऊपर करोगे तो बहुत इजीली आप कर पाओगे पाँव ऊपर। कंटिन्यू दे के रखो, बढ़ा एक्सीलेटर। फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे कि ये कंटिन्यू हम एक्सीलेटर देने के लिए क्यों बोलते रहते हैं, तो आप देखिए जब तक आप इनको प्रेशर नहीं डालोगे ना कि आपको ये करना है, इनका डर इतना हावी होता है इनके ऊपर कि ये बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये चीज़ की थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, आज एक घंटा के सेशन में ही जो है ये आप अगर इनका पहला वीडियो देखेंगे और या फिर शुरुआत में अगर आप इनको देखेंगे कि इतना छोटा स्टेप ले रहे थे, और अभी देखिए इनको थोड़ा सा एक्सीलेटर समझ में आ गया है, तो अब आराम से अब जब इनको एक्सीलेटर समझ में आ गया है तो बहुत ही आराम से जो है एक्सीलेटर दे के थोड़ा अपना स्टेप को बढ़ा रही हैं, मतलब थोड़ा अपने स्पीड को बढ़ा रही हैं और थोड़ा गाड़ी लंबा लेके जा पा रही हैं। उस समय एकदम हल्का हल्का स्टेप, मतलब जस्ट एक्सीलेटर दे के और एक सेकंड में वो छोड़ दे रही थी। तो आप पहले के शुरुआत में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चला रही थी, और जब ये कंटिन्यू एक घंटे से प्रैक्टिस कर रही हैं तो अब ये कैसे चला पा रही हैं, तो आपको साफ ये जो है डिफरेंस पता चल रहा है। देखिए इस तरीके से जो है आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी को बोल दीजिए कि बस आपको ग्राउंड में छोड़ दे, ठीक है। और अगर आप किसी को सिखाना चाह रहे हैं तो आप ये जो है इस
इस तरीके से जो है आप उनको समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं। और अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं, खुद ही सीखना है आपको और आपको सीखने में इंटरेस्टेड है, आप खुद सीखना चाहते हैं, तो आप ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है आपको, मैं और एक्स्ट्रा कुछ भी बता नहीं सकती, जो भी मैं बता सकती थी, जो भी मैं बता सकती हूँ, मैं पूरे वीडियो में आपको एकदम नॉर्मल तरीके से बता देती हूँ। इसमें कोई भी मतलब ये नहीं होता है कि कुछ बताना है बता पाई और कुछ नहीं बता पाई। हम कंटिन्यू जो है सारा स्टेप, सारा चीज़ मैं बताती रहती हूँ, सारे टिप्स मैं बताती रहती हूँ, बस आपको उनको फॉलो करना है। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पीछे के वीडियो को, तो आप बहुत अच्छे से जो है समझ पाएंगे। जब आप एक्सेलेटर समझ जाती हैं तो आपका बैलेंस अपने आप ही जो है बन जाता है।